उड़ीसा के बालासोर में हुए दुखद ट्रिपल ट्रेन हादसे में मौत का आंकड़ा अब तक 261 पार कर चुका है। घायल यात्रियों को राज्य के गोपालपुर, खंटापाड़ा, बालासोर, भद्रक और सोरों के अस्पतालों में ले जाया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में 900 से अधिक लोग अब तक घायल हो चुके हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया कि डिरेलमेंट स्थल पर बचाव ऑपरेशन पूरा हो गया है और मरम्मत का काम जारी है। अभी हमारी टीम है वहाँ पर, जो प्राइमरी असेसमेंट है, मोस्टली जो लिविंग पर्सन्स थे सबको निकाल लिया गया है। कुछ कोचेज हैं जो काफ़ी दब गए हैं, तो उसको ट्रेन का भी वेट कर रहे हैं, तो उसको असेस करने के बाद हम क्लैरिटी दे पाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्वयं मरम्मत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कटक अस्पताल में हैं और रेलवे बोर्ड के डीजी स्वास्थ्य बालासोर अस्पताल में घायल यात्रियों के इलाज की निगरानी कर रहे हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया प्रमुख चिकित्सा निदेशक और दक्षिण पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक भी अन्य अस्पतालों में घायल यात्रियों की देखभाल कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहाँ पर SDRF, NDRF और सेना को बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन भी मदद कर रहा है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि यह दुर्घटना उड़ीसा के बालासोर जिले में बहनागा बाजार स्थान पर बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच में हुई है। उड़ीसा के विशेष राहत आयोग के राज्य आपातकालीन केंद्र ने जारी की गई एक प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना शुक्रवार को शाम 7 बजे करीब घटी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन दोनों ट्रेनों के 17 कोच डिरेलमेंट हो गए हैं और गंभीर नुकसान हुआ है और सभी घायल और फंसे हुए यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। 7 NDRF टीमें, 5 उड़ीसा आपदा त्वरित कार्यवाही बल की इकाइयां और 24 फायर सर्विसेज और आपातकालीन इकाइयां बचाव कार्य में लगी हैं। मेडिकल सहायता की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अब तक 100 से अधिक मेडिकल टीमें, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ आवश्यक दवाओं और के साथ में दुर्घटना स्थल पर मोबिलाइज की गई हैं। घायल व्यक्तियों को अस्पतालों में पहुंचाने के लिए 200 से अधिक एम्बुलेंस काम में लाई गई हैं। साथ ही फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए 30 बसें तैनात की गई हैं। उड़ीसा सरकार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के फंसे यात्रियों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। उड़ीसा के मुख्य सचिव ने वर्चुअल मोड के माध्यम से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ स्थिति पर चर्चा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठक कर चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार ने मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। उड़ीसा ने आज के लिए शोक दिवस घोषित किया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने 33 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 36 ट्रेनों के रूट अन्य मार्गों पर बदल दिए हैं। ये कमेटी जांच करेगी, तभी इसका पता चलेगा कि टेक्निकल कारण से हुआ या मानवीय गलती से।